अभी जहाज रुका हुआ है क्योंकि इसको सुसु लगी है, इसलिए सुसु कर रहे हैं। भी कर रहा है वो धीरे धीरे। हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली वेल। क्या हुआ, नींद आ रहा है क्या? 3,500 रुपए नींद आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा केव। अरे वो गॉगल बेच रहा था, बोला था $45। उसको बताया कि ब्रांडेड है। अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा। अब मुंबई में कहीं भी हो, आपको आना है गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से फेरी मिलेगी। फेरी से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, एक घंटे का रास्ता है। उसका चार्जेस क्या है फेरी का, वो आगे बताते हैं हम लोग। ये गेटवे ऑफ इंडिया का एंट्री है, पीछे इधर ताज होटल है। अभी चलते हैं इधर एंट्री। यहाँ कुछ फीस वगैरह नहीं लगता है। गेटवे पे जाना है तो ये फ्री है, ऑफ कॉस्ट है। और फेरी जाना है, फेरी का जो पैसा लगता है एलिफेंटा जाने के लिए, वो शायद 150 या 200 रुपये का है। आगे देखते हैं कितने का है। आज यहाँ नेवी का कुछ है प्रोग्राम, इसलिए इतनी भीड़, उधर लोग नहीं जा पा रहे हैं। यही टिकट लेते हैं हम लोग। ये टिकट है 290 का रिटर्न, हालांकि 260 है, लेकिन इसमें टैक्स वगैरह लगा के 290 रुपये लगे हैं। ये बोट खड़ी है, यहाँ चलते हम लोग। अभी एक बोट चली गई, अभी हम लोग की आएगी दूसरी। ये वाली लगा हुआ है मोटर तो लगेगा। विकास भाई और इससे चलना है, वो जो इसके लिए रहते हैं ना राफ्टिंग के लिए। हाँ हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, चप्पू चौप चप्पू चला चला के पूरा ठंडा जाता है। नहीं इसमें ऊपर नहीं जाने दे रहा है क्या? उस पर लोग ऊपर नहीं बैठे हैं। चलो चलते। अभी आपको ऊपर जाना है, उसका 50-50 रुपये एक्स्ट्रा देना होता है। अभी धूप आ जाती है तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जब रिटर्न मारेंगे तब ऊपर जाएंगे। अभी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तो फोटो वगैरह अच्छा आएगा नहीं। अभी तो नीचे मजा ले रहे हैं ना, विकास तो चलते हैं बाद में। नीचे भी ठीक है, सब ऊपर चलेगा, नीचे खाली हो जाएगा। हाँ वैसे ऊपर बहुत धूप लगता है, अभी थोड़ा देर सही लगेगा, बहुत तेज धूप लगती है। एक टोकरी का 50 रुपये। हाँ एक टोक का 50 रुपये। 290 रुपये टिकट है। क्या मतलब बेटा रहा मन, अच्छा वो हम लोग मंत्रालय अटल सेतु है, नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ता है अटल सेतु। यहाँ पे जाके इसकी हाइट ऊंची हो गई है इससे। यहाँ पे ये क्रॉसिंग के लिए कुछ बोट वगैरह है क्रॉस करने के लिए, यहाँ पे जगह छोड़ा गया है अटल सेतु में। गए लोग यहाँ पे। विकास जी कहाँ है, आइए विकास जी, बाहर है हम लोग। ये रहा एलिफेंटा। सॉरी सॉरी सॉरी, लोकल गाइड अवेलेबल है।
इतना भीड़ है, इधर भी टिकट है कुछ क्या? यहाँ से टॉय ट्रेन जाती है, एक लगभग 500 या 600 मीटर है, उसके लिए टिकट की लाइन लगी, 18 रुपये टिकट है उसके लिए इतनी लाइन। क्या मतलब है लाइन लगाने का, लोकल सीट से तो घूम के ही आ रहे हैं, इसलिए इसमें नहीं जाएंगे। हथियार लाया ना मुरझावा वाला कट्टा, कौन सा हथियार? मुरझा वाला मुरझावा कट्टा, दिखा देंगे तो दिखा के वापस मोड़ देने के पीछे ले लेगा वो। एक पिक्चर है 1 2 3 सुनी चट्टी की, उसका भी सीन यहाँ था इस टॉय ट्रेन में, उसका सीन मतलब इस टॉय ट्रेन के साथ था, पहले से चेंज हो गया है। पहले ना इधर ना बहुत बोल्डर धक्का था पत्थरों का चलने लायक। ये लास्ट है, इसके बाद मेगा ब्लॉक लगने वाली है, 12 से 4 मेगा ब्लॉक रहेगा, जिसको वासी से जिसको वासी अपन में जाना निकल जाए। दर्शकों को भी बता दे, ट्रेन था 18 रुपये, हम लोग लिए नहीं क्योंकि बहुत वेट करना पड़ता, अभी वापस गई है तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, और मेन गेट है वहाँ से 5-5 रुपये पर पर्सन एडल्ट, 3 रुपये बच्चे, 1 रुपये किसका, 1 रुपये किसका लिखा था, 1 रुपये भी लिखा था चिल्ड्रेन का, 3 था, जो भी हो ये रेट है, जो कोक में उनका 50 रुपये, हाँ जो कोक में उसका 50 रुपये। अभी ऊपर चलते हैं सीढ़ियों द्वारा, और केप जाने के लिए भी अलग से चार्जेस है, उसका भी देखते हैं क्या चार्जेस है। इधर तो 5 रुपये नॉर्मली था, लेकिन बोट का ज़्यादा ले रहे हैं लोग, ये जो नहीं चढ़ पाएगा उसको बैठ के लेके जाएंगे लोग। अरे भाई सीढ़ी है, थकने वाले हैं हम लोग अभी, चलो चलते हैं। ये कुछ रास्ते हैं साइड साइड ऐसे ही चढ़ना है, अब एलिफेंटा आके भी लोग इससे जाए क्या मतलब यहाँ आने का, तो चलिए चलते हैं बाजार, कभी भी देख लीजिए। संडे है इसलिए काफी भीड़ है ना, आमतौर पे कम रहता है। कैसे आया होगा ये, पाँच रुपये किलो, सही है। अभी चढ़ने में कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, नीचे जाने की कोई दिक्कत नहीं। आज तो तुम्हारा लेग डे हो गया होगा, सोचते ना कहाँ कहाँ से निकल रहा है, मुझे नहीं पता, जहाँ से नहीं निकलना चाहिए वहाँ से भी निकल रहा है। झले लला चलो आज ना आ गए, ठीक है जाए, हम बोला बरेली वाली नान खटाई लेके जाओगे, ले आ गए हम लोग, ज्यादा सीढ़ियां नहीं थी, चलेगा। सीढ़ी से आने के बाद वो रहा, वहां से आए हम लोग, अभी फिर से टिकट लीजिए, उसका क्या रेट है, ऑनलाइन भी मिल रहा है क्या? हाँ ये ठीक है, तत्काल बुकिंग IRCTC से फास्ट हो जाएगा, कर लो तत्काल बुकिंग, पासवर्ड है वाईफाई का, क्या हो इससे टिकट बुक हो जाएगा, वहाँ लगाए लाइन ही लगाना पड़ेगा। ये है भारतीय नागरिक के लिए 40 रुपये, बेसमेंट और सार्क नागरिक 40, अच्छा बिमस्टेक विदेशी नागरिक 600, बाप रे। निःशुल्क किसका है, 15 वर्ष की उससे कम आएगी बच्चे, यहीं से देखो ले लो ऑनलाइन, सही है कैश बचा रहेगा।
फोटो खिंचवाने का सिलसिला चालू है, पोस्ट पे पोस्ट दिए जा रहे हैं हम लोग। अच्छा है, अभी ठंडा मौसम है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, विंटर है तो बहुत ठीक है, गुफाएँ हैं तो ठंडी ठंडी हवाएँ हैं। राहुल जी, अभी हम लोग तीनों लोग का फोटो लेते हैं और इसको थंबनेल लगा सकते हैं। हाँ देखो इधर, झाले लाला, झाले लाला। अरे भाई विस्की पी रहा है, झाले लाला, झाले लाला, धरती नीचे के रखेल रहा है, यादें ऊपर चला गया। यार मोबाइल लेके भाग जाएगा। अच्छा गिरते हुए देखेगा तब भी, अभी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर आएंगे जाहिर सी बात है पानी वगैरह महंगा मिलेगा, तो एक बोतल ले लीजिएगा, यहाँ से भर लीजिएगा, पानी ऊपर उपलब्ध है। ऊपर जिसको पता नहीं उधर सब बेचते हैं 20 रुपये का चीज़, 15 रुपये का चीज़, 50 रुपये में, 30 रुपये में, तो यहाँ से भर सकते हैं आप लोग। अभी एक गुफा हम लोग का कवर हुआ है, चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। ये दूसरा गुफा है केव, ये है बजरंगबली। इसी तरह शायद 7 या 5 गुफाएं हैं, उधर पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाली हो तो मतलब चलेगा अपने 5,000 बस। हाँ यार, हाँ रूम देख लीजिए, सही है तो हमारे ब्रोकर से कम यहाँ पे अगर आपको, लेकिन एक बेड लेना पड़ेगा। सब है बाहर, समंदर है। एक गाना गा के देखिए, आ रहा है सॉन्ग, गाइए झालेला वाला। हाँ हाँ गाओ, चल चिंगिया वाला, जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल चिल वाला, आओ आओ आओ। ये चौथी चौथा चौथा है ना गुफा, ये यहाँ पे रात में तकलीफ भी नहीं होगा, ये चौथा गुफा है। हाँ लिखा है केव नंबर 4। बड़ा वॉगी पार्टी चलती हुई जंगल की झाड़ियों में। 30-30 रुपए का बड़ा पाव है ना, 20 वो ठीक है। ये लास्ट गुफा के सामने खाने पीने का मिल जाएगा, 5वीं गुफा है, धोखा देगी। और क्या तो स्कैम क्या और बता रहे थे तुम? इधर इधर देखते हैं, नहीं एलिफेंटा बोल के कबूतर भी नहीं दिखाए को। बहुत बड़ा स्कैम है, पुराने जमाने का आदमी। टाइम पास हो, कोई बात नहीं। हाँ भाई उतरो उतरो उतरो, क्या हो रहा है? रात में प्रोग्राम है यहाँ पे, पूरी सब्जी बटेगा, आइएगा सब लोग, आमंत्रित है। मुन्नी बदनाम हुई डांस होगा रात में। एलिफेंटा के बाद कुछ दिन पहले ये बन रहा था किला, तो इधर से लोग जाते थे, ऊपर घूम के आते थे, अभी इधर से बंद हो गया है। चलते हैं, पूरा ऊपर लोग घूम रहे हैं, अभी खुल गया है बांद्रे किला उद्यान, वो सीलिंग है, सामने समंदर है, अभी मजा है। इसके पहले हम लोग आए थे तो कुछ था नहीं, पूरा बंद रहा था, बंद था,
अभी पब्लिक दिख रही है, पूरा ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आना था पहले, सही है। सीलिंग चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, ठीक है, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, तब तक के लिए शुक्रान दलविदा, माशाल्लाह, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर वन माय लिव्स, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, हर हर महादेव।